हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरी चैनल पे आप लोग अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, मेरी न्यू न्यू रेसिपी देखने के लिए, मेरी यूनिक्स रेसिपियों को देखने के लिए। और चलिए आज फिर से अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ देखिए, आज हम आज की रेसिपी में चने की भाजी बनाने जा रहे हैं देसी तरीके से। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल, जिसको अब अच्छा तेज़ गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। जब अच्छा तेज़ गर्म होगा तभी हम इसमें अगली चीज़ डालेंगे। क्योंकि जब ये देखिए, मैंने अब इसमें अपनी वो बड़ी ली है, हम लोगों के यहाँ बनती है, इसको हम सर्दियों पे बनाते हैं। ये बनती है उड़द की दाल से बड़ी बनाते हैं, वो सूख मतलब सूखा के रख लेते हैं स्टोर करके साल भर के लिए। इसको मैंने बड़ी को डाल दिया। अब उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च और तिली ये लिया है मैंने, इनको छील काट के कद्दूकस करके अदरक रख दिया था। ये मेरी बढ़िया मैंने फ्राई करके साइड पे कर दी है, फ्राई करके रख दिया है इनको। अब मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए फ्रेंड्स, याद रहे। अब मेथी डाल दिया मैंने इसमें। अब हम इसको थोड़ा सा चटकने देंगे, फिर हम इसमें अपनी सारी कटी हुई लहसुनें डाल देंगे। इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा लगती है, लहसुन आप जितनी डालेंगे उतनी अच्छी है। सर्दी है तो सर्दी में लहसुन वैसे भी अच्छी ही है। ये अदरक मैंने कद्दूकस करके रखा था वो डाल रही हूँ, हरी मिर्च और ये जो मैंने वाइट कलर की तिली ली थी, सफ़ेद तिली, उसे डाल रही हूँ। ये जब अच्छे से भुन गए हैं सारे मसाले, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा हींग डाल दे रही। हींग फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी, इसमें हींग का खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी लगती है। अब मैं बस इसको हींग के बाद इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। जब ये सारे मसाले हो जाएंगे तो मैंने इसमें बड़ियाँ डाल दी हैं। बड़ी डाल के इसको हम अच्छे से मसाले में मिला लेंगे। अब ये जो मैंने भाजी ली थी चने की, उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो के 4-5 बार, और मैं धो के ही बनाती हूँ। कई लोग तो बिना इसे धुले भी बना लेते हैं, मगर मैं धो के बनाती हूँ। मैंने धो के इसको पानी छानने के लिए छन्नी पे रख दिया था, इसका पानी निकल चुका है। अब मैं जब ये अच्छे से मसाला हो जाएगा तो ये भाजी इसमें ऐड कर दी हूँ, और भाजी को अच्छे से इसमें भूनूंगी। भून के जब ये थोड़ा सा बचेगी तभी हम इसको तब तक भूनेंगे, तो जिससे ये अच्छी बने। इस वजह से अभी तो ये कढ़ाई पे फुल है, मगर ये जब हम इसको भूनते रहेंगे, ये भूनते भूनते थोड़ा सा हो जाएगी। अभी देखिएगा फ्रेंड्स, ज़रा सी दिखने लग जाएगी ये हमारी भाजी। हम अच्छे से इसको फुल फ्लेम पे भूंज रहे हैं, अच्छे से भून जाएगी। तब हम इसमें नमक ऐड कर दे रहे हैं, और नमक डाल के बस इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ढक्कन लगा के, कि जिससे ये अच्छे से वो हो जाए। ये देखिए कितनी कम हो गई है, पहले तो ये फ्राई होने के पहले कितनी ज़्यादा थी, अब ये बिल्कुल कम हो चुकी है। कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा ही बची हुई है। अब हम इसके लिए एक जार पे अदरक लहसुन मिर्ची हरी मिर्च ये छील काट के रखे हुए हैं। अब इसमें मैं इतनी हरी धनिया डालूँगी, और टमाटर डाल के इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। पूरे टमाटर और हरी मिर्च हरी धनिया मैंने काट के ये सब इसमें मिक्स कर लिया है जार पे अपने, और बस इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ। इसमें नमक, ये चटनी बन जाएगी फ्रेंड्स इसको ग्राइंड करने के बाद। ये देखिए हमारी भाजी भी भुंज रही है साइड पे। अब हम इसमें पानी डाल दिए, जब ये थोड़ा सा बची तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, और ये पानी इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि मतलब पकते पकते ये बिल्कुल थोड़ा सा बचे। जितना भाजी का यही है कि जितना मतलब पकेगी, जितनी अच्छी तरीके से ये बिल्कुल पक के तैयार होगी, उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब बस हम इसे ढक्कन लगा के कवर करके छोड़ देंगे। तब तक हम उसे ग्राइंड करके रख लिए हैं, अपने जो चटनी बनाई थी हमने टमाटर अदरक लहसुन की वो रख लिया है। तो इसको मैं अपने खाने में भी, जब हम भाजी और चावल के साथ खाएंगे, ये तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, तो यहाँ पे इसको मैंने बेसन को 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन लिया, इसका घोल बना लिया है।
हम इसमें इसको डाल देंगे ये पकते हुए। इससे क्या होगा कि हमारी जो भाजी है चने की वो अच्छी थिक बनेगी और मतलब पानी अलग और भाजी अलग नहीं दिखेगी। हमें इसे जब तक पकाना, जब इसमें एक उबाला आ जाएगा ना उसके बाद हम इसमें ये पूरा डाल देंगे, जिससे इससे क्या होगा ना कि ये पूरा अच्छी थिक बनेगी और पानी और वो सब भाजी मिक्स हो जाएगी। और याद रहे फ्रेंड्स, इसको डालने के बाद इसको बिल्कुल तुरंत हमें इतना जल्दी जल्दी इसको चलाना है जिससे ये ना बिल्कुल भी इसमें लम्स ना पड़े। इस वजह से इस तरीके से जैसे मैं इसको चला रही हूँ ना, इसी तरीके से चलाना है। ये हमारे घर में देसी तरीके से इसी तरीके से भाजी बनाई जाती है चने की, इस वजह से मैं अपने ही तरीके से आपको बता रही हूँ। और खाने में ये फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती है, जैसा कि अभी मैं बोल रही थी ना कि चावल दाल के साथ, चावल और भाजी और ये चटनी जो मैंने बनाई है वो चटनी साथ में ले लेते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और जो चटनी है मैंने बनाई वो आधी चटनी मैं आधे से ज़्यादा मैं डाल दूँगी जिससे इसमें फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर चटनी ली हूँ ना, तो इसको मैं एक कटोरी पे निकाल लेती हूँ जिससे ये चटनी पूरी, देखिए एक कटोरी मैं इसमें ऐड कर दूँगी पूरी की पूरी। और थोड़ा सा मैंने अपने खाने के लिए बचा लिए चावल के साथ जब हम खाएंगे भाजी। और ये इससे क्या होगा कि इसमें खटाई भी आ जाएगी और अदरक लहसुन का टेस्ट, लहसुन तो हमने तड़के में भी डाली थी ना, फिर भी अदरक भी डाला था, लहसुन भी, मिर्च भी, अदरक लहसुन हरी धनिया सारे चीज़ के टेस्ट आ जाएगा और टमाटर का भी खटाई आ जाएगी। तो इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो जाएगा। एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा फ्रेंड्स चने की भाजी, आप लोगों को बहुत यकीन मानिए बहुत अच्छी लगी। इसको हमें बस ऐसे ही बेसन डाल के ऐसे ही घुमाते हुए पकाना है, फिर बंद करके हम इसे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बीच में चलाते रहेंगे और इसे खूब पका लीजिएगा बस अच्छे से। जब ये पक जाएगी ना बस हमारी भाजी, अब देखिए पहले कितनी ज़्यादा थी फुल कढ़ाई, मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था, अब बेसन और वो चटनी भी ऐड करने के बाद ये हमारी भाजी एकदम थिक थिक हो गई है। और बस इसी स्टेज पे हम इसे अब थोड़ा देर और पकाने के बाद बंद कर देंगे। और फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी थोड़ा भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए हमारी भाजी बनके चने की एकदम रेडी है, थिक हो चुकी है भाजी और पानी एकदम मिक्स हो चुके हैं, अलग अलग नहीं है। इसी तरीके से आप बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय।